बसरते वो ग्राफ कंटिन्यूअस हो, अभी कंटिन्यूअस ग्राफों की ही चर्चा हो रही है। आया है बात समझ में? तो अब जरा ध्यान से देखो, तो x माइनस 5 का साइन 5 पे ही बदलता है, 10 से बड़ा कोई रूट है नहीं, तो 10 के बाद साइन कभी बदलेगा नहीं। और 10 जो है वो कितने बार रिपीट किया है, तो उसके अगल बगल का भी साइन बदलेगा नहीं। आया बात समझ में? पक्का? और 5 जो है कितने बार रिपीट किया है, तो उसकी अगल बगल का साइन बदलेगा या नहीं? और 1 जो है कितने बार रिपीट किया है, तो उसकी अगल बगल का साइन बदलेगा या नहीं? और -2 कितने बार रिपीट किया है? इवन बार। तो क्या अगल बगल का साइन बदल जाएगा? पक्का? तुम रखे 18, हम रख रहे हैं इस बार -18। देखते हैं -18 पर पॉजिटिव आता है कि नहीं। ठीक बात? -18 एक, -19 निगेटिव पर पावर 11 निगेटिव, बोलो बेटा सही। -18 अच्छा इवन है तो पॉजिटिव ही होगा, और ऑड है तो निगेटिव हो जाएगा। -18 -10 जो भी है निगेटिव पर पावर इवन है तो पॉजिटिव ही आएगा। और भैया इसका तो कोई रूट मिला ही नहीं है, तो इसका साइन बदलेगा ही नहीं। जिस क्वाड्रेटिक का कोई रूट मिला ही नहीं, तो उसका साइन बदलेगा ही नहीं। बोलो भाई हाँ या ना? 0 रख के देख लो, 1 देता है, ये 1 से हमेशा बड़ा ही वैल्यू देगा। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव इनटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव पॉजिटिव, तो है पॉजिटिव। आप 3 रख के देखो, 4 रख के देखो, 4.5 रख के देखो, 4.5 रख के देखो, 1.25 रख के देखो, ये सब नेगेटिव ही देगा। हाँ या ना? हाँ या ना? चलो बोलो बेटा समझ में आया या नहीं आया? तो फिर से हम बताते हैं, अब इसका वेवी कर्व कैसा होगा? ऐसा 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 ऐसा। देखो भाई ध्यान से, वेवी कर्व जो है वास्तव में एक्चुअल कर्व होता ही नहीं है। वेवी कर्व इज नॉट द रियल कर्व। वेवी कर्व सिर्फ आपको यह बताने का कार्यक्रम करता है कि भैया यहां से यहां ग्राफ ऊपर है, यहां से यहां ग्राफ नीचे है। ठीक है भैया? अब एक दो राज का बात क्या है भाई, डिनोमेटर वाले रूट पर हमेशा क्या लेना है? ओपन लेना है। क्या लेना है? दूसरा, डिनोमेटर वाले रूट पर जैसे एक्स का मान 10 रखेंगे, तो इंटायर एक्सप्रेशन क्या मिलेगा? समथिंग बाय 0 के फॉर्मेट में मिलेगा। हाँ या ना? और एनीथिंग बाय 0 इंफिनिटी के तरफ जाएगा। हाँ या ना? लेकिन ध्यान रखना ये पावर इवन है, तो इस पर पावर जो भी है इवन है, तो नेगेटिव 0 का भी स्क्वायर पॉजिटिव 0 और पॉजिटिव 0 का भी स्क्वायर पॉजिटिव 0। ठीक है भाई? 0 नेगेटिव भी होता है, इस पर चर्चा करेंगे। वो एग्जैक्ट 0 नहीं होता है, है ना? जब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, दैट वन इज नोन एज नेगेटिव 0, है ना? तो द नंबर व्हिच इज जस्ट बिफोर 0 इज कंसीडर्ड एज द नेगेटिव 0। बेटा क्या है मामला? तो टेन पे जो एक्सप्रेशन है वो कैसा मान देगा? कैसा देगा भाई? तो ये वेवी कर्व है। ठीक है भाई? वेवी कर्व से थोड़ा एक्चुअल कर्व के तरफ जाते हैं। ठीक है भाई? व्हेन द डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन बिकम्स, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन बिकम्स इंफिनिटी। क्या देता है भाई? द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन बिकम्स इन्फिनिटी। आया भाई बात समझ में? इधर तो पॉजिटिव होगा ही, यानी ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर होगा ही। अब ऐसे जाएगा कि ऐसे जाएगा, या एक्स एक्सिस को इन्फिनिटी पर छू लेगा, ये सब जानने के लिए इंटर से के बाद, ग्रेजुएशन के बाद एमएससी पीजी का कार्यक्रम चलते रहेगा। ठीक है? ठीक है? तो एट द रूट ऑफ द डिनोमिनेटर, एट द डिनोमिनेटर में लीनियर या पॉलीनोमियल का तो होगा नहीं, रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन का होगा, इसमें ऊपर भी कुछ हो और नीचे भी कुछ क्वाड्रेटिक क्यूबिक वगैरह हो। तो कहता है साइन स्कीम ऑफ रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन क्या होगा भाई? डिनोमिनेटर वाले रूट पर क्या देगा? एसिम्प्टोट देगा। क्लियर है? हाँ बोलो, क्या दिक्कत है? बैठो ना।
तो डिनोटर वाले रूट पर क्या देगा? एसिम्प्टोट देगा. डिनोटर वाले रूट पर क्या देगा? अब एसिम्प्टोट क्या है? एसिम्प्टोट वह रेखा है जिसको कर्व इन्फिनिटी पर छूता है. ठीक है भाई, क्या होता है भाई? देख लेना भाई स्पेलिंग. एसिम्प्टोट, एसिम्प्टोट इज द लाइन विच टच द कर्व एट इन्फिनिटी. ठीक बेटा. अब कहता है बताओ यह कब जीरो से, अभी फिलहाल बड़ा का बात करते हैं. ठीक है भाई. बेटा किसी एक इंटरवल का हम जान गए पॉजिटिव है तब ना अच्छा है, इवन है तो पॉजिटिव, ऑड है तो नेगेटिव, तब ना कर पाए बिना पुट किए. किसी एक इंटरवल का बेटा आपको साइन पता करना होगा उस इंटरवल से कुछ आसान सा वैल्यू पुट करके. ठीक है भाई. तो आपको पता चला अच्छा 18 रखने पर जो था पॉजिटिव आया था, इसके बाद फिर पॉजिटिव आएगा, इसके बाद फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव से पॉजिटिव में ही रह गया क्योंकि ये इवन है. इवन टाइम रिपीट किया है ना कि इवन नंबर है, ध्यान रखना. ठीक है भाई, मामला समझ में आया. अब कोई पूछेगा बताओ कि यह जो एक्सप्रेशन है वह जीरो से बड़ा कब है, तो लिखेंगे जब एक्स बिलोंग्स करता है क्या करता है, माइनस इनफिनिटी से माइनस टू, यूनियन माइनस टू से वन, यूनियन पांच से टेन, और यूनियन दस से. कोई दिक्कत है भाई? आया बेटा बात समझ में? इसी में पूछता कि भाई कब जीरो से बड़ा और बराबर है. मान लो ये एफ एक्स है, थोड़ी देर क्या है भाई, उस पूरे को एफ एक्स माना जा रहा है, तो एफ एक्स बड़ा है जीरो से, ऐसा एफ एक्स कब बड़ा और बराबर है जीरो के, तब माइनस दो पर जीरो के बराबर होगा, वन पे जीरो के बराबर होगा, फाइव पे जीरो के बराबर होगा, लेकिन क्या टेन पर होगा? तो लिखेंगे यहां से लेके यहां तक डायरेक्ट ले लो, पॉजिटिव है या जीरो है, या पॉजिटिव है या जीरो है. तो जब एक्स बिलोंग्स करेगा कहां से कहां तक भाई, माइनस इन्फिनिटी से वन तक, यूनियन पांच से लेकर के टेन के पहले तक, यूनियन टेन से इन्फिनिटी के बीच में, मतलब वी हैव टू इलिमिनेट टेन. कोई दिक्कत? हमको टेन को इलिमिनेट करना पड़ेगा. पूछेगा बताओ एफ एक्स कब जीरो से छोटा होगा, क्या बोलेगा भाई, बताओ एफ एक्स कब जीरो से छोटा होगा. भैया जीरो से छोटा तो यहां से यहां के बीच में ही है, तो लिखेंगे जब एक्स बिलोंग्स करेगा वन से फाइव के बीच में. ठीक है भाई, कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए. बताओ कब यह जीरो से छोटा और बराबर होगा, क्या लिखेंगे बताओ भाई, जब एक्स बिलोंग्स करेगा कहां से कहां तक, वन से लेकर के फाइव तक. सही है गलत है? सही है, कहीं कोई कंफ्यूजन? ये अभी भी गलत है. एक से पांच के बीच में जीरो से छोटा है, एक और पांच पे जीरो के बराबर है, लेकिन एक और है जहां पर जीरो हो रहा है वो छूट गया है. तो क्या लिखेंगे भाई, यूनियन माइनस टू. जब एक ही एलिमेंट हो तो कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाई, इसको सिंगलेशन का सेट कहते हैं, इसको एकल समुच्चय कहते हैं, क्या कहते हैं भाई. तो यहां तक आने के बावजूद भी गलत है, इसको हल्के में लेना नहीं है. समझ में आया बात? अभी हम एक सवाल फिर बताने जा रहे हैं, उसको अच्छे से समझना है. ठीक बात. कहां से कहां तक कोई एक्सप्रेशन पॉजिटिव वैल्यू देगा और कहां से कहां तक कोई एक्सप्रेशन निगेटिव वैल्यू देगा, किन किन एक्सों के लिए, ये बात समझ में आ रहा है? किसको किसको नहीं समझ में आया एक बार हाथ उठाइए. उम्मीद तो तुमसे लगा के बैठे ही थे, तो इस बार बेटा समझने का कोशिश करना. ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए.
वो तो थोड़ा थोड़ा तो सबको दिक्कत होता है, थोड़ा समझ में नहीं आया पूरा समझ में आ गया। जब पूरा समझ में आया तो पूरा में थोड़ा समाया हुआ होता है, चलो भाई ध्यान से एक फिर सवाल लेते हैं, एक बार फिर से साइन स्कीम लिखते हैं, इस बार समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है बेटा। मान लो कहता है x माइनस टू पर पावर 12, x माइनस थ्री पर पावर 13, x प्लस थ्री पर पावर 13, x माइनस फोर पे पावर 11 डिवाइडेड बाय x माइनस 10 पर पावर, कुछ भी ले सकते हो बेटा, ठीक है, 133, x माइनस 5 पे पावर, x माइनस 8 पे पावर 6, कुछ ले लो, ठीक, कोई दिक्कत भी? एग्जैक्ट कर्व नहीं है भी, देखो एक जो कर्व हम खींचे जिसमें हम एसिम्प्टोट का चर्चा किए, कुछ लोग सोचोगे कि ये एग्जैक्ट कर्व है तो गलत बात, हो सकता है ये ग्राफ ऐसे आकर के ऐसे उठ गया हो, ठीक है, सिर्फ ये बता रहा है कि यहां पर है जमीन पर, उसके ऊपर है आसमान में, बस इतने बात है, नहीं हो सकता है कि ये ग्राफ यहां से यहां आया हो और फिर ऐसे हो गया हो। ये सब चीज जानने के लिए अभी हम लोगों को कैलकुलस का सहारा लेना पड़ेगा जो थोड़ा भी दूर है, ठीक है, कोई दिक्कत आ रहा है बेटा समझ में? तो अभी हम लोगों को एसिम्प्टोट की भी आवश्यकता नहीं है, एसिम्प्टोट की आवश्यकता बेसिकली लिमिट वगैरह में, जब हम लोग पढ़ते हैं ना कैलकुलस उस समय थोड़ा सा यूज में आता है, अभी कब पॉजिटिव है कब निगेटिव है वो जानना है, ट्वेल्थ में एक बार फिर से साइन स्कीम पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है भाई। तो भाई ये एक एक्सप्रेशन है, वी हैव टू राइट द साइन स्कीम ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो भाई क्या बताए, स्टेप वन टू राइट द साइन स्कीम ऑफ द एक्सप्रेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल पुट न्यूमिनेटर इज इक्वल टू जीरो, पुट व्हाट, पुट न्यूमिनेटर इज इक्वल टू जीरो एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू जीरो सेपरेटली। तो क्या करेंगे भाई, न्यूमिनेटर को जीरो पुट करेंगे और डिनोमिनेटर को जीरो पुट करेंगे सेपरेटली। क्या करेंगे भाई, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली जीरो पुट करेंगे, कहीं कोई गिला सिकवा। तो न्यूमिनेटर को जब जीरो पुट करेंगे तो एक्स का मान क्या आएगा, एक से दो आ गया, फिर क्या आएगा, माइनस तीन आएगा, यह कब जीरो, जब एक्स का मान फोर आएगा। डिनोमिनेटर को जीरो पुट करेंगे तो एक रूट क्या मिलेगा, एक्स इक्वल टू 10 आएगा, एक रूट एक्स इक्वल टू 8 आएगा। ऐसा कर लेने के बाद सारे के सारे रूट्स को नंबर लाइन के बढ़ते हुए क्रम में उसके उचित स्थान पर सजाते हैं, ठीक बात, अरेंज ऑल द रूट्स ऑन द नंबर लाइन ऑन देयर रिस्पेक्टिव पोजिशन। तो सबसे पहले क्या, माइनस थ्री, उसके बाद क्या, फिर 10। अब ये गैप कम ज्यादा हो सकता है ये समझने के लिए आपको लिया गया है, ठीक है भाई, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखो, फिर अपने मन में कोई एक संख्या सोचना है, सोच लिए, फिर से रुक जाओ भी। स्टेप वन में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को जीरो कट करके सारे रूट्स को निकाल लेते हैं, स्टेप टू में सारे रूट्स को नंबर लाइन पे अरेंज कर देते हैं, स्टेप थ्री में चेक करते हैं कि कौन सा रूट इवेंट टाइम रिपीट किया, कौन सा रूट ऑड टाइम रिपीट किया, इसको चेक करते हैं। देखो भाई 10 ऑड बार, 8 इवन बार, 4 ऑड बार, 2 इवन बार और 13 ऑड बार, ठीक।
अब एक हमको किसी एक इंटरवल के बीच का साइन पता करना है, क्या करना है भाई? तो कोई अपने मन में एक संख्या सोचो, 12, तो हाँ जो भी सोचो, तो भाई ऐसा सोचो थोड़ा सा स्मार्ट हो, 100 सोच लो, 100। तो बेटा 1 क्या है कि आपको बीच से लेना पड़ेगा, बीच वाले नंबर में कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव टर्म ज्यादा आएगा, गुना भाग करने में हुज्जत ज्यादा होता है, तो हमेशा जो बड़ा है उससे बड़ा नंबर सोचो, लाख करोड़ अरब कुछ ऐसा सोचो, और ऐसा नंबर सोचो जिसको दिखा करके ही नहीं होता है ना, 1 लाख तो पॉजिटिव पॉजिटिव देखो नहीं, अब एक रखते थे, एक में से 4 गया माइनस 3 माइनस, प्रॉब्लम है ना, क्या समझे बात? तो छोटा मोटा चक्कू दिखाओगे तो क्या होगा, पिन खोल के उंगलियों से दाब लो कि हटाएं क्या, समझ में आया बात बेटा? सिंपल चीज है, एक नंबर सोचो ना क्या जाता है, आप क्या एक रख करके करें क्या, तो किसी से करो बेटा, एक ही आना है, उसमें इधर घसको उधर घसको बेटा, जो नंबर है ना उससे को एक बड़ा नंबर सोच लो, कोई दिक्कत? जोर से भाई, समझ में आ रहा है? तो 100 मेरा फेवरेट नंबर है, 100 में से 2 गया पॉजिटिव, नेगेटिव में उत्तर देना है, 100 जोड़ 3 पे पावर कुछ भी, 100 में से 4 गया पे पावर कुछ भी, 100 में 10 गया पे पावर कुछ भी, 100 में से 8 गया पे पावर कुछ भी, पक्का? तो क्या आया? अब कभी कभी लोगों को भ्रम हो जाता है कि सबसे बड़े वाले रूट के उधर पॉजिटिव होगा, तो उस भ्रम को थोड़ा तोड़ लेते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग एक चतुराई कर देते हैं, एक्स माइनस 4 जो है ना उसको 4 माइनस x कर लो, अब देखो भाई क्या गया, 100 पॉजिटिव 100 पॉजिटिव 100 नेगेटिव, 11 नेगेटिव, तो थोड़ा हम लोग क्या कर लिए, चेंज कर लिए फंक्शन चेंज, ठीक, और नीचे वाला सब पॉजिटिव, तो अब कैसा साइन आएगा पूरे सिस्टम का ओवरऑल, अब ओवरऑल पूरे सिस्टम का साइन कैसा आएगा, नेगेटिव, तो और टाइम है तो फिर क्या करेंगे, इवेंट टाइम है तो कैसा, और टाइम है तो कैसा, इवेंट टाइम है तो कैसा, करेगा चेंज नहीं करेगा साइन, ऑड टाइम है तो चेंज करेगा, टाइम है तो चेंज नहीं करेगा, और ऑड टाइम है तो चेंज करेगा। तो बेटा वेवी कर्व जो है सिर्फ यह बतलाने के काम करता है कि ग्राफ कहां से कहां तक एक्स एक्सिस के ऊपर है और ग्राफ कहां से कहां तक एक्स एक्सिस के नीचे है। तो बेटा नीचे निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, फिर ऊपर पॉजिटिव, फिर नीचे निगेटिव, फिर नीचे निगेटिव, बोलो बेटा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? और ऊपर पॉजिटिव, दिस वन इज द वेवी कर्व एंड दैट वन इज नॉट द एग्जैक्ट कर्व, है ना। वेवी कर्व सिर्फ आपको यह बताता है कि ग्राफ कहां ऊपर है और कहां नीचे है। अच्छा इसमें अगर एसिम्प्टोट को भी घुसा दिया जाए तो 10 पर एक एसिम्प्टोट देगा। We always take open interval at the root of the denominator. हम लोग क्या करते हैं बेटा बोलो? हमेशा denominator वाले root पे open interval लेते हैं और दोनों दोनों भाई साथे साथ है, हाँ या ना? तो क्या करेंगे भाई, यहां पर भी open interval लेंगे। तो ध्यान रखना, जहां denominator का root मिलता है उसके दाहिने पॉजिटिव तो भेज देंगे इन्फिनिटी की तरफ, किधर भेजेंगे भाई? और उसके बाएं पॉजिटिव तो पॉजिटिव इन्फिनिटी, दाहिने भी आंशिक रूप से पॉजिटिव तो किधर हो जाएगा भाई? पॉजिटिव इन्फिनिटी, कोई दिक्कत? ठीक पहले पॉजिटिव तो इन्फिनिटी की तरफ भेजो, और ठीक बाद में निगेटिव तो क्या करेंगे भाई? माइनस इन्फिनिटी की तरफ भेजेंगे। बेटा ऐसा नहीं है कि ग्राफ का कहानी आप लोग पारंगत बन गए हैं, ये बहुत ही इसमें एरर है, लेकिन एक हद तक क्या है, आपको दिख रहा है कि 8 के ठीक पहले और बाद इन्फिनिटी, 10 के ठीक पहले इन्फिनिटी और बाद में माइनस इन्फिनिटी, ये एक एसिम्प्टोट दिया। एसिम्प्टोट वह लाइन है जिसको ग्राफ कहां पर टच करता है। एसिम्प्टोट इज द लाइन विच टच द कर्व एट इन्फिनिटी, इज इट क्लियर नॉट? बोलो बेटा समझ में आया? तो
लिखिए हेडिंग डाल करके मेथड टू फाइंड, लिखो भाई हेडिंग डाल करके। अच्छा इसी में थोड़ा सा एक दो और चीज देख लो, पूछेगा कि भाई अगर इसको फंक्शन कंसीडर किया जाए तो बताओ भाई फंक्शन कब जीरो से बड़ा है, तो लिखेंगे क्या भाई माइनस इन्फिनिटी से माइनस थ्री, यूनियन फोर से एट, यूनियन एट से टेन। तो कैसे ओपन और क्लोज इंटरवल का इस्तेमाल करके इसके आंसर लिखना है, ये बात समझ में आ गया आ गया बेटा? फोर से टेन के बीच में आठ घुस जाएगा ना, फोर से टेन में आठ है ना, ये चार से आठ के पहले तक, आठ के बाद से टेन के पहले तक, तो आठ आया क्या? और इक्वलिटी तो है नहीं, और इक्वलिटी होता तो भी आठ को नहीं लेते क्योंकि डिनोमिनेटर का रूट है। अच्छा बेटा इसी में बोलता बराबर बराबर, तो क्या करते तीन को पकड़ते, फिर क्या करते तो क्या करते हाँ भाई चार से लेकर के आठ के पहले तक और आठ के बाद से दस के पहले तक, और यूनियन एक ठो दो बेचारा छूट गया यहां पर, को पकड़ लेते। दीज आर दोज वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द एक्सप्रेस पॉजिटिव वैल्यू और जीरो, आर दोज वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द एक्सप्रेशन गिव्स पॉजिटिव वैल्यू और जीरो वैल्यू। इज इट क्लियर नॉट? माथा में घुसा? कोई दिक्कत? पक्का? चलिए अब हम लोग निष्कर्ष पर निकलते हैं, क्या कंक्लूजन लिखा दिया जाए, लिखा दें। हाँ मेथड टू फाइंड द साइन स्कीम ऑफ पॉलिनोमियल और रैशनल अलजेब्रा फंक्शन, देखिए मेथड, कुछ गलती होगा तो बता दोगे। हो गया शुरू क्या? मेथड टू फाइंड द एस आई एस सी एच ई एम ई, ठीक है भाई, मेथड टू फाइंड द साइन स्कीम ऑफ पॉली और रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन, हाँ भाई लिखो। टू फाइंड द साइन स्कीम ऑफ, लिखिए टू फाइंड द साइन स्कीम ऑफ रैशनल और पॉलिनोमियल और रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन, we take few steps, नीचे लिखिए स्टेप वन, टू फाइंड द साइन स्कीम ऑफ पॉलिनोमियल और रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन वी टेक फ्यू स्टेप्स, नीचे लिखिए स्टेप नंबर वन, नीचे लिखिए स्टेप नंबर वन, लिखिए पुट न्यूमिनेटर इज इक्वल टू जीरो एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू जीरो सेपरेटली, पुट न्यूमिनेटर इज इक्वल टू जीरो एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू जीरो सेपरेटली, पुट न्यूमिनेटर इज इक्वल टू जीरो एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू जीरो सेपरेटली, लिख लिए भाई put numerator is equal to 0 and denominator is equal to 0 separately and then find all the roots of numerator and denominator. Nitesh bhaiya awaaz aata hai, soiye nahi, kya bole beta batao? And then find all the roots of numerator and denominator, theek hai bhai, and find all the roots of numerator and denominator. Step 2.
स्टेप टू पारा चेंज करके लिखिए, अरेंज ऑल द रूट्स ऑफ न्यूमिनेटर, अरेंज ऑल द रूट्स ऑफ न्यूमिनेटर, अरेंज ऑल द रूट्स ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, अरेंज ऑल द रूट्स ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, अरेंज ऑल द रूट्स ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑन देयर रिस्पेक्टिव पोजिशन ऑन द नंबर लाइन या इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ऑन देयर रिस्पेक्टिव पोजिशन ऑन द नंबर लाइन, ऑन देयर रिस्पेक्टिव पोजिशन ऑन द नंबर लाइन, ऑन देयर रिस्पेक्टिव पोजिशन ऑन द नंबर लाइन, ठीक है भाई, एंड लिख लिए भाई जी। स्टेप थ्री, चेक विच रूट इज रिपीटेड, स्टेप थ्री में चेक करना है कि कौन सा रूट इवेंट टाइम और कौन सा रूट ऑड टाइम रिपीट कर रहा है। स्टेप थ्री, चेक विच रूट इज रिपीटेड इवेंट टाइम और विच रूट इज रिपीटेड ऑड टाइम, चेक विच रूट इज रिपीटेड इवेंट टाइम, विच रूट इज रिपीटेड ऑड टाइम। नोट करके नीचे में लिखिए, उसी पारा के नीचे में नोट करके लिखिए, इफ द रूट इज रिपीटेड ऑड टाइम, इफ द रूट इज रिपीटेड ऑड टाइम, इफ द रूट इज रिपीटेड ऑड टाइम देन द साइन ऑफ द फंक्शन, इफ द रूट इज रिपीटेड ऑड टाइम देन द साइन ऑफ द फंक्शन, क्या बोले भाई, देन द साइन ऑफ द फंक्शन व्हाट, चेंज ऑन एडजेसेंट सब इंटरवल्स ऑफ द रूट, देन द साइन ऑफ द फंक्शन इज चेंज ऑन एडजेसेंट सब इंटरवल्स ऑफ द रूट, अगल बगल वाले इंटरवल में फंक्शन का साइन चेंज कर जाएगा, then the sign of the function will be changed on adjacent sub intervals of the root. बोलो बेटा समझ में आया या नहीं आया? उसके बाद लिखिए उसी नोट में, and if the root is repeated event time, उसी में लिखिए, and if the root is repeated event time, and if the root is repeated event time, and if the root is repeated event time, the sign of the function, the sign of the function not change on adjacent sub intervals of the root, not change on adjacent sub intervals of the root, sign of the function not change on adjacent sub intervals of the root, तो function का sign नहीं बदलता है अगल बगल वाले sub intervals में, कोई दिक्कत? Then the sign of the function not change on adjacent sub intervals of the root, कोई दिक्कत? Step 4, ठीक है, ठीक है, स्टेप फोर में लिखिए, चेक द साइन ऑफ एनी इंटरवल, चेक द साइन ऑफ द फंक्शन, चेक द स्टेप फोर, स्टेप फोर में क्या करते हैं, फंक्शन का साइन चेक करते हैं, चेक द साइन ऑफ द फंक्शन इन एनी इंटरवल, चेक द साइन ऑफ द फंक्शन इन एनी इंटरवल, चेक द साइन ऑफ द फंक्शन इन एनी इंटरवल, चेक द साइन ऑफ द फंक्शन इन एनी इंटरवल बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम दैट इंटरवल ऑन एफ एक्स, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, क्या लिखिए भाई, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, उसके बाद बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम दैट इंटरवल ऑन द फंक्शन,
इन द फंक्शन या ऑन द फंक्शन? बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द इंटरवल इन द फंक्शन. तो क्या करते हैं भाई, किसी एक इंटरवल से एक्स का मान निकाल के एफ एक्स में डालते हैं और एफ एक्स का साइन चेक करते हैं, कोई दिक्कत? एंड देन राइट द साइन ऑफ ऑल द सब इंटरवल्स, देन राइट द साइन ऑफ एंड देन कहीं लिख रहा है रे एंड देन राइट द साइन ऑफ एंड देन राइट द साइन ऑफ ऑल सब इंटरवल्स विद द हेल्प ऑफ रिपीटेशन ऑफ रूट. एंड देन राइट द साइन ऑफ ऑल सब इंटरवल्स विद द हेल्प ऑफ रिपीटेशन ऑफ रूट्स, फुल स्टॉप. कोई दिक्कत? नीचे में एक आध टिप्पणी के तौर पे नोट में लिख लीजिए, वी ऑलवेज टेक ओपन इंटरवल, we always take open interval क्या बोले बेटा बोलो, एट द रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर. वी ऑलवेज टेक ओपन इंटरवल एट द रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर एंड इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी We always take open interval at the root of denominator and infinity or minus infinity. बोलो बेटा समझ में आया? तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा. तो वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए. क्या लेकिन लास्ट तक कोई वीडियो देखता ही नहीं है.